केरल में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने के साथ ही उन्हें आतंकी बनाने से संबंधित घटनाओं पर आधारित द केरल स्टोरी फिल्म की विशेष वस्तु को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने फिल्म के प्रदर्शन पर अपने अपने राज्यों में जहां प्रतिबंध लगाया है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दिया है। वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में चर्चित फिल्म द केरल स्टोरी देखने पहुंचे। उनके साथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन यूएफओ सिने मीडिया नेटवर्क के सहयोग से किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री सुरेश खन्ना सहित ज्यादातर मंत्री और विधायक शामिल रहे। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद के कुछ स्टूडेंट भी फिल्म देखने पहुंचे। वाली आप सब लोग मिलकर देखने वाले, उत्तर प्रदेश में पहले ही टैक्स फ्री करी जा चुकी है। नहीं, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर से खुश भी हूं कि द केरल स्टोरी फिल्म को आज लोक भवन के अंदर देखने का संपूर्ण मंत्री परिषद के साथ अवसर मिला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया है और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं टैक्स फ्री करने के लिए बधाई देते हुए, जो केरल पर आधारित जो फिल्म बनाई गई है उस फिल्म का फिल्मांकन करने वाले, चाहे वह निर्माता निर्देशक हो, चाहे अभिनेता और अभिनेत्री हो, सबको मैं अभिनंदन देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पूरे देश में इस फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तान की सरकार है, इसके कारण से केरल की फिल्म देखने को मिल रहा है, इसके कारण काश्मीर फाइल्स मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार होती तो तुष्टिकरण की भेंट तो अब तक काश्मीर को पाकिस्तान को थाल में सौंप देती। पश्चिम बंगाल में उसको प्रतिबंधित करने का करा गया, उसके बाद तमिलनाडु में कई थिएटर में से हटाई गई मूवी। देखिए, पश्चिम बंगाल में प्रतिबंध हटाने की मांग करते हैं, प्लस आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का भी सच हिंदुस्तान के सामने आएगा। अभी कहा है कि देश की बहन बेटियों से जुड़ा हुआ ये विषय है और आतंकवादी गतिविधियों का कहीं से भी किसी भी माध्यम से अगर पर्दाफाश हो रहा हो तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर ध्यान केंद्रित किया है और कुछ स्कूल के भी बच्चों को बुलाने का हम लोगों ने वो किया है और बिल्कुल इसको दर्शकों तक जाना चाहिए, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। दर्शक को लोग इतना नासमझ क्यों समझते हैं, बड़ी परेशानी तो ये है। आप जनता के बीच में जाने दीजिए, जनता को पिक्चर देखने दीजिए, जनता फैसला करेगी क्या सही है क्या गलत। पता नहीं केरल स्टोरी पर क्यों बैन किया जा रहा है। समाज के जो वास्तविक चित्र है, जो घटनाएं घटित हुई हैं उसे आधारित ये फिल्म है जो समाज को एक दिशा मिलेगा भविष्य में आने में। आने वाले समय में बच्चे सतर्क रहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएँ न घटित हो। तो ये फिल्म ऐसा है जिसे समाज में एक संदेश जाएगा। इसमें कलाकारों पर बैन लगाना ये उचित नहीं है, सभी लोगों को देखना चाहिए और बैन नहीं लगाना चाहिए। देखिए, वास्तविक घटनाओं पर आधारित केरला फिल्म यदि है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए प्रेरणादायी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। इस तरह के लव जिहाद की घटना, धर्मांतरण की घटना निश्चित रूप से देश और समाज के लिए घातक हैं। उनसे दिखाने के बाद अगली पीढ़ी उसे देखे, उनसे सबक ले और इस तरह की घटनाओं पर संवेदनशीलता बने और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ये प्रयास होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे नौजवान नई पीढ़ी को ये फिल्म देखने का काम करना चाहिए। और यदि इस पर राजनीति हो रही है, प्रतिबंध लगाने का काम हो रहा है तो अनुचित है। मैं समझता हूँ देश तो राष्ट्र तो समाज इसमें नहीं है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों कुछ राज्य इस जो मूवी आई है केरला स्टोरी इसको बैन कर रही है, जबकि ये सत्य घटनाओं पे आधारित एक मूवी है जिसको देश के सामने आना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, सच्चाई पता रहनी होनी चाहिए कि कैसे केरला में किस तरीके के चीज़ों को किया जा रहा है और किस तरीके से सामाजिक असंतुलन पैदा करके आतंकवादी घटनाओं में लोगों को, हमारे देश की बेटियों को ढकेला जा रहा है। ये सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है, मूवी है। मैं समझता हूँ कि देश की जनता के सामने सारी सच्चाई आनी चाहिए। ये तो एक अच्छा अनुभव है, देश का संविधान, देश की जनता किस तरीके से आचरण करे। धर्म परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं होता है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाना न भूलें।